कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है, जहां कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस जानलेवा वायरस के आंकड़े भारत में 29 लाख के पार जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 68,898 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 983 लोगों की मौत हुई है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 29,05,824 पहुंच चुकी है। इस वायरस की चपेट में आकर 54,849 लोग जान गंवा चुके हैं। इसके साथ डिस्चार्ज हुए लोगों का आंकड़ा 21,58,947 पर पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 1,00,000 से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन पांच राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। न्यूज़ डेस्क।